अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाह वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई हपुआ, तेरी लुगाई ना पकौड़े एकदम बहुत बढ़िया बनाती है। अम्मा जो बताओ पसंद कौन की है? हमारी है और कौन की है। वैसे भाभी जी एक बात बताएं, बारिश का अपना एक अलग ही मजा है। ये भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू, सोंधी सोंधी खुशबू, और ऊपर से ये चाय और पकोड़े, भाई वाह कमाल है भाई। बहू ने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए। आगे कुक का प्लान है चाचा जी? हाँ हाँ, हम तो क्या कह रहे हैं कि जो भी काम करने के लाने आए हो ना, जल्दी से निपटा दो। सही कह रही भाभी जी आप, जिस जरूरी काम के लिए आए हैं हम सोच रहे हैं कल ही कर देते हैं। क्या बात है, बहुत सही बात कही। बढ़िया बढ़िया। क्या कर रहा है अबे, कर 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 आवाज आ रही है। सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, एक्चुअली हापू सर के पेट में जो तीन तीन ट्रांसमीटर घुसे हैं ना सर, शायद वो आपस में क्लैश हो रहे हैं सर, इस वजह से ऐसे कुछ हो रहा है, या तो फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा सर, इसलिए उन्हें झटके लग रहे हैं। भाभी जी हम तो कह रहे हैं कि डॉक्टर को बुला लें। अरे दो, डॉक्टर बुलाने का क्या जरूरत है, हम है ना। अरे ऐसी राम बाण देंगे, जीरा अजवाइन मिला के बस पेट साफ हो जाओगे। भाभी जी हमारी बात मानो, डॉक्टर को बुला लेते हैं, वही सही से इनकी इलाज करेगा। हाँ तो पेट की गंदगी वंदगी सब साफ हो जाएगी। मनोहर मनोहर, वेट 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 सर सर सर, मनोहर सर मुझे कोई आवाज दे रहा है। वेट वेट, मैं आवाज दे रहा हूँ। कोई आवाज दे रही, कोई आवाज दे रहा है। सुन, हप्पू का पेट साफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तीनों ट्रांसमीटर निकल जाएंगे। यस सर। 8 चाय हो चुकी है मनोहर, क्या चाय पिला पिला के मारेगा? अरे कहाँ है ये तुम्हारा डॉक्टर, या कितना इंतजार करवाएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा। अरे आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं निकल चुका हूँ, बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। जी जी आ गया सर, आ गया, आ गया सर। डॉक्टर साहब आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ हवलदार साहब, आप कैसे हैं? All good, all good. अरे कमिश्नर साहब, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। भाई कहाँ थे? सर बस क्लिनिक से निकल रहा था, क्या हुआ रास्ते में एक बीमार कुत्ते की आत्मा दिख गई, उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, बस उसी का समाधान कर रहा था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत ही दयालु टाइप के इंसान है आप। क्या करें सर, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। काफी उच्च विचार है आपके, आप कुछ धर्मात्मा किस्म के आदमी लगते हो। फिर तो सर ये हमारा काम आसानी से कर देंगे। कुछ 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 काम? कैसा काम, मैं कुछ समझा नहीं हवलदार जी। हप्पू सर को एक दवाई देनी है। हाँ हाँ, हप्पू सिंह को ही पेट सफा होने की दवा देने जा रहा हूँ। उसका पेट साफ नहीं होना चाहिए, उसका कभी ठीक नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, लेकिन किंतु परंतु बंधु कुछ नहीं, जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन सर ये मेरे उसूल और आदर्श के खिलाफ है। तुम्हारे उसूल और आदर्श की बत्ती बना के डाल दो तुम्हारे जेब में। सुनो, हप्पू का पेट कभी साफ नहीं होना चाहिए, उसका कब्ज कभी ठीक नहीं होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर कैदियों का पेट साफ करते रहोगे, समझे? समझ गया सर, समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हप्पू सिंह को एक ऐसी दवा दूंगा कि 15 दिनों तक उसका पेट सफा नहीं होगा। इतना जाम कर दूंगा कि सिर्फ हवा ही पास हो पाएगी, वो भी बहुत मुश्किल से। अरे दादा, हम क्या कह रहे हैं, अब हमें लग रहा होगा खेल होगा हम आओ, लेकिन तुमसे विनती है तुरंत शादी ना करियो, 13 दिन इंतजार कर लियो।
बस तुमसे ना मनहूस ही बातें करवाए ले। अरे बेटा हौसला रख, अप्पू हौसला रख। डॉक्टर को बुलाया है, और वैसे भी हम लोग बहादुर लोग हैं, बहादुर के खानदान से हैं, तू वैसे ही चिल्लम चिल्ली मचा रखी है, जरा हौसला रख, थोड़ा बर्दाश्त कर। चाचा जी तुमने बात सही कही, वैसे बहुत बहादुर है रज्जू जी। इनके बारे में कहूँ जातू है, पुलिस की डंडा थक जाए लेकिन पार्टी न हिलती है। लो आगे डॉक्टर। अरे आओ आओ डॉक्टर साहब। अरे अप्पू सिंह जी क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब ये ततैया काट रही है, झुनझुनी सी छूट रही है। एक मिनट, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। अप्पू सिंह जी आपको कुछ नहीं हुआ है, मामूली गैस की प्रॉब्लम हुई है। गैस हो गई? अरे तो झुनझुनी का है। एक मिनट भाभी जी, ये गोलियां रखिए। अप्पू सिंह जी ये जो मैंने गोलियां दी है ना, दो गोली सुबह उठने के पहले और दो गोली रात को सोने के बाद, और फिलहाल के लिए ये सिद्ध किया हुआ भभूत, इसे आप अभी खा लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लगे ना, तो कल मेरे रामनारायण बाज़ार क्लिनिक में आ जाइएगा, अभिमंत्रित किया हुआ ऐसा ताबीज़ दूंगा जिसे धारण करते ही आप ठीक हो जाएंगे। झुनझुनी का आ रही। अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो भाभी जी मेरी फीस दीजिए ताकि मैं निकलूँ। हाँ का फीस है? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये। हाँ अरे डॉक्टर साहब थोड़ा सही लगाओ ना। सही लगा लो, सही लगा लो। अरे अप्पू सिंह जी, भाभी जी, आप लोगों ने क्या मुझे कोई सब्जी भाजी तरकारी वाला समझ रखा है क्या? हा? अरे 5,000 रुपये फीस होती है, मतलब 5,000 रुपये होती है। दीजिए मुझे जल्दी से, मुझे और भी मरीजों को देखने जाना है। अरे बेटा बहू दे दो इसको। अरे हम पे नहीं है 5,000। नहीं है कोई बात नहीं, इधर आ डॉक्टर, बात सुन। जी चाचा जी। ये देख, ये ले, ये तेरी औकात से भी ज्यादा है बेटा। पूरा डिस्पेंसरी आ जाएगा इसमें। चाचा जी तो बड़े अच्छे, काफी मालदार पार्टी। चलिए चाचा जी। दवाई ठीक थी ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब हमारी बात जरा ध्यान से सुन लो। बोलो बोलो चाचा बोलो। कल सब लोग 10 बजे तैयार रहना। कहाँ? कहे कि जिस काम के लिए हम आए हैं, उस काम को हम कल अंजाम देंगे। मनोहर, मनोहर। वेट वेट सर, मुझे कोई दोबारा आवाज दे रहा है सर। वेट, दोबारा कोई और नहीं, मैं आवाज दे रहा हूँ। रज्जू चाचा तो मोटी पार्टी है, हरी पीली गोली के चक्कर में अंगूठी थमा दी। C5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।